बेल्ट का भी आवाज आ रहा है, वो भी थोड़ा सही करना है। पकड़े ने दे दिया, बता जरा भाई, बता दो सही किधर दिया। मैं दे दूंगा भाई, तुम कम लगा रहे हो भाई, मैं बराबर लगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो वीडियो है वो कार के नीचे हम लोग लाइटिंग लगाने वाले हैं, ठीक है, ग्लो लाइट लगाने वाले एलईडी। तो अभी जाते हैं सर्विस सेंटर के, मतलब गैरेज के पास, और ये जो है वो भी थोड़ा निकल गया था, ठीक है, क्योंकि उस दिन थोड़ा टायर का प्रॉब्लम हो गया था, तो ये भी निकल गया था साइड में। अभी राहिल जो है गाड़ी बाहर ले रहा है और डायरेक्ट हम लोग चलते हैं गैरेज की तरफ। बेल्ट का भी आवाज़ आ रहा है, वो भी थोड़ा सही करना है। खोल जरा, खोल खोल, जो आवाज़ आ रहा था वो स्टेयरिंग ब्रेक है, उसके ऑयल का आ रहा था। अबे ये आलसी है भाई, कुछ सुनता ही नहीं है। कामरान भी आलसी हो गए, राहिल भी आलसी हो गए, दोनों के दोनों। सब अंदर देखिए, भाई जो है गाड़ी चलाते हुए फुल एटीट्यूड में। ओ एटीट्यूड नहीं रखने का, नहीं रखने का ना, सही है ब्रो। तो गाड़ी चला रहे भाई, कैसा लग रहा है तुमको? गाड़ी तो चलाने आता है लेकिन रात में जो है लाइट नहीं चालू करता है, फिर इधर उधर देखता नहीं है, और अगर फिर उसको फिर कुछ बोलेगे तो चिढ़ जाते है ना कामरान? ले तू ही चला। हाँ क्या बोलता है? क्या बोलता है? तू ही चला। चला भी फटाफट, हाँ प्रॉपर देख इधर उधर, अगर तूने नहीं देखा इधर उधर किधर तो तेरी वाट लगा दूंगा भाई। अभी लाइट की तो जरूरत नहीं है ना, अभी बंद रखा हो। हाँ अभी बंद रखा है, वो सही है। ड्राइविंग सीट पे आ चुका हूँ मैं, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सामने रोड और पीछे कामरान, और यहाँ पे बकचोदी खत्म करते हुए हम लोग जा रहे हैं, और ये राहिल जा रहे हैं वाशी में। हम लोग गैरेज गए थे तो वो जो आवाज़ आ रहा था बेल्ट का था, ठीक है, स्टेयरिंग ऑयल है उसका जो है वो आवाज़ नहीं था, ठीक है, वो सीट बेल्ट बोलो, सॉरी, जो बेल्ट रहता है वो हो चुका है हम लोग का पुराना, ठीक है, ऑलमोस्ट, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। और फिर अभी चलते हैं वाशी में, क्योंकि हम लोग को जो है नीचे की जो ग्लो लाइट रहती है वो लेना है। अभी जब तक कि आप रोड का व्यू इंजॉय कर लीजिए, ठीक है, और जब तक हम लोग कट्टा कुट्टी मारते थोड़ा सा यहाँ पे, तो अभी चलते हैं हम लोग फटाफट। बाइक वाला आ रहा है बाजू से, बहुत ज़्यादा फास्ट में था तो ले नहीं सका मैं, अभी लेते हैं यहाँ से जुबजैक। चलो जुबजैक, चलो जुबजैक। अरे भाई वलाना वाले हट्टो, हट्टो भाई, नहीं मिल रही अभी, एक ही फ्लैश फ्लैश मार के फ्लैश करता है इन लोगों में। अभी यहाँ से अपने को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वलेना वाला ना दिमाग खराब कर रहा था। और ये रिक्शा, ए रिक्शा चल साइड लाओ, रिक्शा मस्त साइड से निकल लो। अच्छा चला था फटाफट फटाफट जाता हूँ कोवर करने, रोड ओवर आने में तत्व एक लेफ्ट मारू, निस्ता फटाफट पहुँचता हूँ वाशी मध्य का। फाइनली हो चुकी है बारिश, ठीक है, और हम लोग वाशी में ही है, बट प्लान ऑलमोस्ट हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को फ्लॉप हो जाएगा आज का हम लोग का प्लान फ्लॉप। तो अभी चलते हैं, अभी हम लोग फिर भी जो है हार नहीं मानेंगे और हम लोग देवनार जाके रहेंगे। अभी हम लोग ने प्लान चेंज कर दिए, देवनार जा रहे हैं हम लोग। यो अभी चलते हैं फटाफट देवनार, भरी बारिश में। ओ ओ भाई अच्छा हुआ कि हम लोग ने अभी यहाँ से जुबजैक ले, ऐसा निकालना पड़ेगा गाड़ी को, ऐसा जुबजैक ले ऐसा। बाकी आप व्यू ही देखो भाई, वो अंकल कैसे ना कैसे रख के सब बता ना, क्या बोल रहे काम? कुछ नहीं भाई, क्या बोल रहे, क्या फिर जाने का क्या नहीं देवनार? पक्का सोच ले फिर बढ़ा ही देते, चलते घर पे डायरेक्ट। क्या बोलता है, घर पे जाते कि जाने का देवनार? जाते हैं अभी अपने, हाँ जाते थोड़ा लंबा, ठीक है चलते फिर देवनार। अभी यहाँ पे आके फाइनली अभी और एक सरदर्द, ट्रैफिक में फुल अटक चुका है यहाँ पे, कब से यहीं पे, वो जो 15 से 20 मिनट का रास्ता भी नहीं है उसको ऑलमोस्ट हाफ आवर के ऊपर हो चुका है, बट अभी जो है थोड़ी बहुत चल रही है गाड़ी, वरना तो हम लोग कब से ऐसी खड़े ही थे। देखते अब कब पहुँचते देवनार और क्या होता है, बकरा भी लेना ही है, बट मंडी थोड़ी मतलब टाइट चल रही है, अभी देखते पहुँच के कैसे क्या बकरे हम
जो भी है, मैं वो भी आपको वीडियो में जो अपडेट देता हूँ। हम लोग मिल चुके हैं भाई लोग अपने, ओ गैंग बैंग। अरे माँ, अरे पिछले साल के हिसाब से आप देखोगे ना तो मंडी बहुत ज्यादा फूल है, मतलब चलने की भी ऑलमोस्ट जगह नहीं है और बहुत ज्यादा फूल है। बकरे ने दे दिया, बता जरा भाई बताओ। अरे बताओ तो सही, अरे बता तो सही किधर दिया भाई। अरे इधर चल, पकड़ के चल भाई। सुफियान भाई भड़के हुए लग रहे भाई, क्या हो गया? क्या मैटर हो गया सुफियान भाई? क्या मैटर हुआ तो बोलो भाई, बाद में बोलेगा भाई। ये बकरा हम लोग को पसंद तो है लेकिन भाई ज्यादा बहुत ज्यादा रेट हाई हो रहा था तो इसलिए हम लोग ने इसको जाने दिए। अरबाज भाई को अपने वाला बकरा पसंद आ गया। उंगली तो डाल उसके अंदर। अभी जैद तेरे को शूट कर रहा है वो भाई, हंस रहे थे। ओ जैद, कोई इसका आएगा तो ये चेहरे को याद रखो, घूमते रहते इधर देवनार में। नब्बे यार बस भाई, इसकी बात कर। नब्बे बोल रहा है। अबे इसका नब्बे नाम क्या भाई? मुबारक भाई। मुबारक, कहाँ से आए हो? बात तो सही है, तुम बोल रहे हो। चलो मान रख लो, दे दो। मैं दे दूंगा भाई, तुम कम लगा रहे हो। बराबर लगा, बराबर नहीं लगा रहे हो ना। तो बोले ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। तो मैं 42 बोला था, मैंने कितना बोला? 30 में 34 बोल दिया। कितना कम करूँगा? सही है, आप तो कम लगा रहे हो ना। बिल्कुल चल चल, रहने दो भाई, मैं ना कर रहा हूँ। 26 और कम से कम दे दो। कितना एकदम लाज बोल रहा हूँ। चले अभी चल, नहीं नहीं चले चल, चलो ठीक है चला जा। अभी आले भाई के पास आ गए हम लोग। भाई तुम्हारा नाम क्या है? इसका इसका पारे का नंबर क्या है? 487 400। किधर है? 87 अच्छा हटा दिए। ये आए थे आला हम लोग बकरा देखने के लिए, ये भी पसंद आया है। बाहर वाला बकरा थोड़ा प्राइसिंग कम नहीं कर रहा था, अभी देखते आला इसका क्या है। भाग गया राहिल के पास से। क्या बोलता राहिल? बाहर लिया, बाहर बाहर ले, क्या बाहर ले, क्या निकाल। अबे भैया अभी दान पतला है वे। ब्लैक वाला ना? नहीं मजा आ रही है निकालो तो भारत निकालो। अभी देखो इतने से समोसे और खाने के लिए देखो। अरे भाई क्या कर रहे? अरे भाई, अरे अरे भाई अंकल के हाथ में से उठा ले। ये एक्स्ट्रा नहीं डाले, गलत किया लग गया।
बाकी एक नंबर पकड़ा है हट्टो सुफियान तेरे घर का आइटम आइटम कुछ चाहिए रहेगा। देख पिंक कलर का पूरा का उसका कान है, पिंक बकरा है भाई। ये लड़की हो के लिए ये बेस्ट है, ये पिंक बकरा। ओह इधर देख, दिख रहा है उसका बाकी पिंक पिंकनेस, देख पिंकनेस। ओह पकड़ा कर देगा पिंक बकरा, लेकिन बाकी बकरा सही है भाई। फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं घर। हम लोग आए थे यहाँ पे देवनार में कुछ 5-6 बजे के बीच में। अभी हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी है और इतनी पूरी मंडी घूमने के बाद भी हम लोग को बकरा पसंद नहीं है। और जो पसंद आया उसके अंदर सबने, मेरे को 2 बकरे पसंद आए थे जिसमें एक जगह पे सिंह पे कुछ लगा हुआ था, दूसरे के जो है दूसरा मेंढा देख रहे थे हम लोग जिसके गाट थी, तो हमने दोनों भी ड्रॉप कर दिए। और बाकी और 2 बकरे पसंद आए थे बट मतलब कैसे ना वो ओवर बजट उन लोग मांग रहे थे, मतलब कैसे थोड़ा एग्रेसिव हो गया, भू 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 कर रहे। तो भाई सीधा 15,000-20,000 बढ़ा है बकरे का। हाँ कुछ नहीं, अभी से ऐसा लग रहा है ना कि बकरा लेना पड़ेगा, पलाई पे देना पड़ेगा फार्म्स में, क्योंकि ऐसे भी जो है बकरे का जो मैंने पिछले साल 28-29 में लेके गया था वही सेम टाइप का, ये साल मेरे को जिधर भी मैं देख रहा हूँ 50-60 इसके नीचे किधर नहीं मिल रहा। तो अभी हम लोग जाते हैं फटाफट घर क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। और इंशाल्लाह आते हैं एक या दो दिन के बाद वापस से आते हैं और देखते हैं, क्योंकि बकरा तो लेना है तो तभी का भी ब्लॉग जो है हम बनाएंगे। और भाई मंडी में मतलब ऑलमोस्ट सब बकरे जो है थोड़े बहुत बुरी हालत में भी थे, जैसे कि बहुत बारिश हो चुकी थी तो उसकी वजह से बहुत सारे व्यापारी और बहुत सारे व्यापारी को भाड़ा भी नहीं मिल रहा था, तो उसकी वजह से उन लोग कीचड़ या हवा भी लेके बैठे, तो भाई वो सब भी बहुत थोड़ा प्रॉब्लम था वहाँ पे। हम लोग इंशाल्लाह कल या परसों में जो है निकलेंगे वापस और बकरा ढूंढेंगे अपने लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।